हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड नमस्ते दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल डिलीशियस कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम जले हुए बर्तन को हम कैसे साफ़ करें, चाहे वो स्टील का हो या फिर एल्युमिनियम का बर्तन। और दोस्तों, चाहे सब्जी से जला हो या फिर चाय दूध से, किसी भी प्रकार से जला हुआ हो, उसे हम आसानी से किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, हमने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है और इस पे रख दिया है हमने भगोना, जो कि हमारा जला हुआ भगोना है। इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी हम ऊपर तक डालेंगे, ऊपर तक फिल कर देंगे पूरा। और 2 चम्मच हम डाल देंगे इसमें डिटर्जेंट पाउडर। आपके पास लिक्विड सोप है तो वो भी डाल सकते हैं, बर्तन धोने वाला। और गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि ये जल्दी से गर्म हो सके। ये देखिए, यह हल्का हल्का गर्म होने लग गया है। अब हम डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून मीठा सोडा। मीठा सोडा ना हो तो आप इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सोडे को डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें 10 मिनट तक बॉईल करना है। आप गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे ताकि ये बाहर ना निकले। ये देखिए, इसको हमें इस तरीके से 10 मिनट तक बॉईल कर लिया है। ऑलमोस्ट इसको 10 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए, मैं इसको हल्का सा मिक्स कर ले रही हूँ। और ये देखिए, इसमें कुछ पार्टिकल्स खुद पे खुद निकल के ऊपर घूम रहे हैं, आपको नज़र भी आ जाएंगे। ये देखिए, काफ़ी सारे इसमें पार्टिकल्स घूम रहे हैं। और दोस्तों, ये अब हम इसके गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए, गैस के फ्लेम को बंद कर दिया और इसको हम ठंडा होने देंगे जब तक हम भगोने को छुपाएँ हाथों से। ये देखिए, ठंडा हो गया है, लेकिन पूरी तरह से ठंडा नहीं है, गर्म है काफ़ी। और ये मैंने इसमें डाल दिया पानी को, क्योंकि हम इसी पानी के हेल्प से हम इसको साफ़ करेंगे और एक्स्ट्रा पानी को हम फेंक देंगे। ये देखिए, काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है दोस्तों, पर पूरी तरीके से भी साफ़ नहीं हुआ है। कुछ तो मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी। अब हम इसको चम्मच की हेल्प से हल्का हल्का खुरच लेंगे। और दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेगी, हम इसे आसानी से साफ़ कर लेंगे। देखिए, मैं हल्के हाथों से ही कर रही हूँ, हल्के हाथों से ही साफ़ हो जाएगा इजीली। ये देखिए, इस तरीके से। और दोस्तों, अगर आप इसको बिना इस मेथड के डायरेक्ट ही साफ़ करेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये बिल्कुल भी आसानी से साफ़ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आप एक बार इस मेथड से करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, क्रच लिया हमने और यहाँ पे हमने ले लिया है स्टील का स्क्रबर। अब हम इसकी हेल्प से इसको साफ़ करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको हल्के हल्के हाथों से रफ़ करूँगी और नीचे की साइड में हम थोड़ा सा हार्डली रफ़ कर देंगे तो ये आसानी से साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से ये ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है अंदर से। और दोस्तों, इसी तरीके से हम इसे बाहर से भी साफ़ कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों, ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारा भगोना साफ़ हो चुका है और मैंने ले लिया है यहाँ पर ग्रीन वाला स्क्रबर और इससे हम हल्का सा इसको एक बार रफ़ करते हुए साफ़ कर लेंगे ताकि इसमें एक अच्छी सी साइन आ जाए। और ये देखिए, हमने इसको कर लिया अंदर से। इसी तरीके से हम इसको एक बार बाहर से भी साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हो चुका है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा जला हुआ था, कितना ज़्यादा कचरा निकला है इसमें से। और दोस्तों, एक बार हम इसको वॉश कर लेंगे और ये देखिए, आपको विश्वास हो रहा है कि आप ये वही वाला भगोना है जो इतना ज़्यादा जला हुआ था। तो देखा आपने, इसे साफ़ करना कितना आसान है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।